Hey there, मैं हूँ मीनाक्षी and guess what? I am at the PFC ACCA Center, my center. Okay, and the reason why we are here today is it's Sunday और आज हमारा story day है, weekend mantra. कभी कभी हम सबको week के end में छोटा सा push चाहिए होता है अगले दिन Monday के struggles को start करने का. So here we go. एक बार एक छोटा बच्चा था मोनू. मोनू अपने पापा मम्मी के साथ बीच पे गया. पहली बार बीच पे गया तो उसे आइडिया आया कि मैं रेती से एक बहुत सुंदर सा घर बनाऊंगा. मोनू ने आराम से रेती उठाकर बीच से खटा करके उससे एक घर बनाना चालू किया. देखते ही देखते उसने बहुत सुंदर सा घर बना दिया. इतने में एक दूसरा छोटा बच्चा जो गेंद से खेल रहा था उसने अपनी गेंद उठाकर इस रेती के घर पर मार दी. घर पूरा तहस नहस हो गया और वो बच्चा मोनू के ऊपर हंसने लग गया. मोनू इस बात से बहुत दुखी हो गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया. मोनू रोता गया. इतनी देर में उसके पापा आ गए. उसके पापा ने बोला, मोनू बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने अपने पापा को सारी बात बताई. तो पापा ने बोला, मोनू एक बात बताओ, तुमने श्रेती के टीले को बनाने में कितनी देर लगाई? मोनू ने कहा, पापा पूरे 15 मिनट लगे. और मुझे एक बात बताओ मोनू, कि तुम ये घर टूटने जाने के बाद कितनी देर तक रोते रहे? पापा आधे घंटे से रो रहा हूँ मैं. पापा ने बोला, बेटा इतनी देर में तो 2 और घर बन जाते, क्यों रोने में वक्त बर्बाद किया? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. हम भी कभी बहुत मेहनत करके कुछ चीज़, कुछ सपने, कुछ ऊंचाइयाँ छूते हैं और फिर किसी कोई और जना आके उसे तोड़ देता है. जितना समय, जितनी मेहनत वहाँ तक पहुँचने में लगी, उससे दुगना समय, दुगनी मेहनत हम रोने में, अफसोस करने में बिता देते हैं. अगर हम समय पर फिर से रेती का टीला बनाना चालू कर दें तो एक की जगह 2 टीले बन जाएंगे. तो अगली बार अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी मेहनत मिट्टी में मिल गई, पूरी मेहनत पे पानी फिर गया किसी और की वजह से, तो बजाय इसके कि हम रोएं और उस बात पे अफसोस करें या उस बंदे की बुराइयां करें, उतना समय हम अपने रेती के टीले को फिर से बनाने में इन्वेस्ट कर दें. आई होप यू लाइक दैट. थैंक यू सो मच. कीप वर्किंग, कीप स्ट्राइविंग फॉर योर गोल्स एंड नेवर 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 लिसन टू नेगेटिव पीपल. आप जब तक पॉजिटिव रहेंगे तो लाइफ में सारी चीज़ें आपकी अपने आप सही होती जाएंगी. थैंक यू.